नमस्कार दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग काफ़ी समय और मेहनत मांगती है। आज की दुनिया में हर कोई बिना मेहनत और कम समय में काफ़ी कुछ पाना चाहता है जो बॉडी बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत चीज़ों का सहारा लेकर जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ब्राज़ीलियन ब्रदर्स, ये हैं ब्राज़ीलियन ब्रदर्स, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने शरीर को बनाने के लिए जिम में दिन रात एक कर देते होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, जिसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इनके शरीर को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये स्टेरॉइड्स और ख़तरनाक इंजेक्शन लेते हैं जिससे इनके मसल्स फूल चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे इंजेक्शन लेते हैं जो जानवरों को लगाए जाते हैं, जिनके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों भाइयों ने अपनी बॉडी को बनाने के लिए ये इंजेक्शन लिए। रोमारियो सैंटोस, ब्राज़ील के रहने वाले रोमारियो सैंटोस को जवानी में बॉडी बनाने का ऐसा नशा चढ़ा कि इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। इनकी बॉडी बन तो रही थी लेकिन तेज़ी से नहीं, तो इन्होंने एक घातक ऑयल और अल्कोहल के मिक्सचर को अपने शरीर में इंजेक्ट करना शुरू किया। पहले तो ये हफ्ते में एक बार इस घातक मिक्सचर को लेते, लेकिन जब इनके मसल्स बढ़ने लगे तो ये उसे रोज़ लेने लगे, जिससे इनके मसल्स काफ़ी बड़े हो गए। पर कुछ समय बाद इनके शरीर में काफ़ी दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि ये उन घातक इंजेक्शनों का साइड इफ़ेक्ट है और ये दर्द बढ़ता ही जाएगा। तब उसने इस घातक मिक्सचर को लेना बंद किया। वल्दीर सेगातो, ये हैं वल्दीर सेगातो, जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। आज ये करीबन 50 साल के हो चुके हैं और अब इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ा है। इन्होंने अपनी बॉडी जल्दी बढ़ाने के लिए ऑयल के इंजेक्शन लगाने शुरू किए, जिस कारण इनके शरीर के मसल्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। पहले तो जब इंटरनेट पर ये वायरल हुए तब लोगों ने तारीफ़ की कि क्या बॉडी बनाई है, लेकिन वल्दीर ने खुद बताया कि ये बॉडी एक्सरसाइज करके नहीं बनाई है, बल्कि ख़तरनाक ऑयल के इंजेक्शन लेकर बनाई है। नतालिया कोज़नेत्सोवा, नतालिया रशियन बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर हैं। नतालिया ने 14 साल की उम्र से ही जिम जाना शुरू कर दिया था, लेकिन तेज़ी से मसल ग्रोथ के लिए इन्होंने स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, जिस कारण इनके हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आया, जिससे इनका शरीर एक मेल बॉडी बिल्डर की तरह बढ़ने लगा। इनकी बॉडी देखकर तो मेल बॉडी बिल्डर भी शर्मा जाते हैं। नतालिया आज 31 साल की हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि इनका प्यार बॉडी बिल्डिंग से कुछ कम हुआ है। मुस्तफ़ा इस्माइल, यह हैं इजिप्ट के रहने वाले मुस्तफ़ा इस्माइल, जिन्हें इजिप्शन पोपाई भी कहा जाता है। इनका शरीर अजीब है, इनके शरीर में कहीं की भी बॉडी नहीं बनी है, लेकिन 32 इंच के बाइसेप्स हैं, जो बात हैरान करने वाली है। पर इनके साथ एक अजीब घटना हुई कि 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स का खिताब दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद ये बात पता चल गई कि इनकी बॉडी फेक है, जिसके बाद इनसे ये खिताब छीन लिया गया। लेकिन ये हमेशा कहते रहे इनके बाइसेप्स एक्सरसाइज करके बने हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।